नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन ज़मीन एक रोटी की मानिंद हो जाएगी, जिसे अल्लाह ताला अहले जन्नत की मेज़बानी के लिए उलट पलट करेंगे। जिस तरह तुम में से कोई दस्तरखान पर रोटी उलटता पलटता है। इतने में एक यहूदी आया और कहने लगा, ए अबुल कासिम, रहमान ज़ात आप पर बरकत की बारिश करे, क्या मैं आपको कयामत के दिन अहले जन्नत की सबसे पहली ज़ियाफ़त की खबर ना दूं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बताओ। यहूदी कहने लगा, कयामत के दिन सारी ज़मीन एक रोटी की तरह हो जाएगी, और वो भी वही बात बताने लगा जो कुछ देर पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बताई थी। उस यहूदी की बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारी तरफ देखकर हंस पड़े, जिससे आपके दांत मुबारक दिखाई देने लगे। उस यहूदी ने कहा, क्या मैं आपको अहले जन्नत के सालन के बारे में ना बताऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बताओ। उस यहूदी ने कहा, जन्नतियों का सालन बालाम और नून है। सहाबा कराम ने पूछा, ये क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो बैल और मछली है, और वो इतनी बड़ी होगी कि उस मछली और बैल के जिगर के साथ लटकने वाले टुकड़े को 70,000 जन्नती खाएंगे। रवाहु मुस्लिम।